नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। सहजता, सरलता और सत्यता की थी जो अनमोल मिसाल, प्रेम और वात्सल्यता की जहां बहती अमृत धारा, वाणी और वाक चातुर्य का जहां है अटूट संगम, सुर और स्वर का गुंजता है जहां सदैव अमर संगीत, ऐसी सुरों की मलिका नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित स्वरलता आज हम सबके बीच नहीं है, पर स्वर और स्वरों की मिठास दो चार दशकों तक ही नहीं, आठ आठ दशक तक सभी के दिल पर छाई और हमेशा छाई रहेगी। मधुबाला से लेकर माधुरी तक सभी के लिए गाने गाए हैं। शी इज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट हु परफॉर्म एट रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन, और साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट से उनका नाम दर्ज है। हमारे पड़ोसी देश की तहे दिल से इच्छा थी कि क्वीन ऑफ मेलोडी उनके वतन जाए और उनके कोकिल कंठ से सभी को मंत्रमुग्ध कर दे, पर उनकी ये ख्वाहिश दिल में ही रह गई। लता दीदी ने ऐसा गाया है कि हर नस्ल ने उनसे प्यार किया है, ऐसी साक्षात माँ सरस्वती को मेरी और न्यू जेन क्लब की ओर से शत शत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। साथ ही बॉलीवुड में तरह तरह के गायक देखने को मिलते हैं, हर गायक का अपना अलग ही तरीका होता है, लेकिन कई बार इन्हीं गायकों में से कोई गायक अपना एक ऐसा स्थान बना लेता है जो वाकई में बाकियों से कुछ अलग होता है। और ऐसे ही एक गायक थे बप्पी दा, यानी कि बॉलीवुड के पहले रॉक स्टार बप्पी लहरी। इन्होंने ही भारतीय गीतों को पॉप का तड़का लगाया। एक जमाना था जब बप्पी दा के गाने सुनते थे तो लोगों का जहन झूमने लगता था। उनकी एक और खासियत थी जो यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग जानते हैं, बोल सही, बिल्कुल सही पहचाना, गले में मोटी